प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्माण, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा से। आज हम परियोजना असफलता के कारण अर्थात कॉजेज ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर के बारे में अध्ययन करेंगे। सफल परियोजना द्वारा संगठन के साकार मूल्य में वृद्धि करनी चाहिए और परियोजना की सफलता के लिए निम्नलिखित मापदंडों का पूरा होना भी आवश्यक होना चाहिए। अंशधारियों को संतुष्टि प्रदान करना, अर्थात एक सफल परियोजना का यह लक्ष्य होना चाहिए कि उस व्यवसाय के विभिन्न अंशधारियों को उनकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं से संतुष्ट किया जाए और उन्हें समय समय पर लाभान्वित किया जाए। नेक्स्ट, आवश्यकताओं की पूर्ति करना। सफल परियोजना के संगठन हेतु विभिन्न प्रकार की व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सतत क्रियाकलाप संपादित किए जाने चाहिए तथा विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक प्रकार के साधनों को विदोहित करना चाहिए। नेक्स्ट, अपेक्षित गुणवत्ता की पूर्ति करना। एक सफल परियोजना के साकार मूल्यों में वृद्धि करने हेतु जो भी अपेक्षित गुणवत्ता से संबंधित मूल्य हैं, उनको पूरा करने के लिए यथासंभव प्रयास किए जाने चाहिए और गुणवत्ता में समय समय पर परिवर्तन कर अत्यधिक वृद्धि किए जाने के भी प्रयास करने चाहिए। नेक्स्ट, प्रदत्त, अदत्त एवं व्यवसाय विशेष जो कि लागतों की सीमा में है का भी इस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए जिससे कि अधिक लागतें ना आए एवं प्रदत्त और अदत्त यानी प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है हमारे वो अधिक ना हो। नेक्स्ट, दीर्घावधि एवं वास्तविक लाभ प्राप्त करना। प्रत्येक व्यवसाय को एक सफल परियोजना हेतु किसी भी संगठन को इस प्रकार से कार्य करने हेतु प्रेरित करना चाहिए जिससे कि वह संगठन एक लंबे समय में वास्तविक लाभ प्राप्त कर सके और लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा में टिक सके। नेक्स्ट, टीम को पेशेगत संतुष्टि तथा सीखने के अवसर प्रदान करना। जब एक संगठन द्वारा विभिन्न दिए गए मापदंडों की पूर्ति नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में परियोजना द्वारा इसके विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है और ऐसी स्थिति में एक परियोजना असफल परियोजना कही जाती है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं के कुछ अन्य मूलभूत कारण भी हैं जिसके कारण परियोजना अनियंत्रित हो जाती है और वह किसी भी परियोजना को असफल बना देते हैं। ए, अनुचित रूप से परिभाषित उद्देश्य। अधिकांश परियोजनाएं इसलिए असफल हो जाती है कि उनके लक्ष्य एवं उद्देश्य या तो परिभाषित ही नहीं होते या वे फिर अस्पष्ट होते हैं। ऐसी स्थिति में परियोजना दल उनके वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता क्योंकि वह लक्ष्य एवं उद्देश्य को उचित प्रकार से समझ नहीं पाता है। नेक्स्ट, परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं। कभी कभी परियोजना के क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, तब तैयार उत्तर यही रहता है कि उन्हें अनुसूचियों में सम्मिलित कर लिया गया है, परंतु वास्तव में उन्हें आकस्मिकता को कम करके अथवा विलोपित करके समायोजित या अवशोषित किया जाता है जो परियोजना की सफलता के लिए नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट,
बिना आकस्मिकता उचित नियोजन। कभी कभी नियोजन के अंतर्गत आकस्मिकता नियोजन का अभिन्न अंग होने पर भी उसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसका यह आशय है कि नियोजनकर्ता आश्वस्त है कि ये समस्त चीजें जैसी वे अपेक्षा करते हैं उसी के अनुरूप होगी, परंतु वास्तव में यह मान्यता अवास्तविक है, क्योंकि समय, काल एवं परिस्थिति के अनुसार कार्य एवं अपेक्षाएं परिवर्तित होती रहती हैं। नेक्स्ट, अपर्याप्त नियोजन। परियोजना नियोजन असंख्य छोटे छोटे कार्यों को श्रृंखलाबद्ध करने का कार्य है, जिससे कि परियोजना का निर्माण होता है। इस प्रकार कड़ी में बांधना परियोजना की प्रारंभिक अवस्था है, परंतु यह प्रारंभिक अवस्था अगर संपादित नहीं की जाती है तब यह अग्निशमन परियोजना हो जाती है, अथवा यह श्रृंखलाबद्ध नहीं होती है। ऐसी स्थिति में परियोजना की सफलता में संदिग्धता रहती है। नेक्स्ट, अपर्याप्त नेतृत्व। परियोजना प्रबंधक को अपने दल को दिशा दिखानी चाहिए, उसका यह प्रमुख कार्य होना चाहिए, परंतु अगर परियोजना निर्देशक द्वारा या प्रबंधक द्वारा नेतृत्व पूर्ण सक्षमता के साथ नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को निर्देशित नहीं कर पाता है, और ऐसी स्थिति में परियोजना की सफलता संदिग्ध रहती है, और परियोजना असफल होने पर उन्हें दंड भी दिया जाता है। नेक्स्ट, अंशधारियों की अपेक्षाओं की अवहेलना। परियोजना दल को अंशधारियों अथवा स्वामियों की अपेक्षाओं की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि परियोजना के कार्य के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति या अंशधारी क्या अपेक्षा रखते हैं और क्या उनकी अपेक्षाएं पूरी हो रही है अथवा नहीं, अथवा कार्य करने के लिए उन्हें जो वातावरण दिया जा रहा है वह स्वच्छ एवं अच्छा है। अगर उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में कार्य करने वाले श्रमिकों की या अधीनस्थ कर्मचारियों की कार्य करने के मनोबल में कमी आती है और परियोजना असफलता की ओर अग्रसर हो जाती है। नेक्स्ट, कमजोर अनुश्रवण एवं नियंत्रण। योजनाएं उनसे जुड़े रहने के लिए होती हैं, ना केवल उन्हें सृजित करने के लिए। यदि एक परियोजना को उचित तरीके से नियोजित नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में उस नियोजन का अधिकारी अर्थात मॉनिटर उसे नियंत्रित नहीं कर सकता, और ऐसी स्थिति में उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति योजना को अपने वांछित उद्देश्यों के लिए अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करता है, और ऐसी स्थिति में योजना के वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं होते हैं और सफल होने के अवसर बहुत ही नगण्य हो जाते हैं। नेक्स्ट, कमजोर परियोजना प्रतिवेदन। सामान्यतः परियोजना प्रतिवेदनों में यह नहीं बताया जाता कि परियोजना लक्ष्यों की ओर है, अथवा अगर उसने लक्षित अर्जित नहीं किए हैं तो लक्ष्य अर्जित नहीं करने में प्रमुख समस्या क्या रही है।
ऐसी स्थितियों में यह समय पर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती और न केवल परियोजना डूबती है बल्कि परियोजना हमेशा के लिए एक तरह से ऐसी स्थिति में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, आधारहीन धारणाएं। जब कोई परियोजना समस्याओं से घिर जाती है तब लोगों का विश्वास होता है कि अनुसूची परिवर्तन, अतिरिक्त मानव शक्ति या अधिक कार्य करने से समस्याएं हल हो जाएंगी, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। और ऐसा इसलिए नहीं होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खराब नियोजन के कारण इसका हल हमें पुनः वापस नहीं मिलता और अंततः हमें पुनः नियोजन कार्य ही करना पड़ता है। नेक्स्ट, अन्य कारणों में से भी नियोजन असफलता की ओर अग्रसर होता है, यथा मिश्रित एवं अस्त व्यस्त कार्य, विनिर्देशित स्वीकृतियां एवं विशिष्ट निर्देश, संक्षिप्त अथवा अस्पष्ट भाषा जैसे प्राय, अनुकूलम, लगभग या निकटतम से भ्रांति या अस्पष्टता या मिथ्या वर्णन हो सकता है। परियोजना का प्रारूप, संरचना अथवा कालक्रम न होने पर कार्य विश्लेषण की संरचना पूर्ण रूप से नहीं बनाई जा सकती। ऐसी स्थिति में परियोजना की सफलता में संदिग्धता रहती है तथा क्रांतिक पथ विधि जैसी विधियों का उपयोग भी नहीं किया गया हो तो भी परियोजना की सफलता में संदिग्धता रहती है। कार्य का किस प्रकार वर्णन किया जाए, इसमें विस्तृत विचरण हो, तीसरे पक्ष यथा ग्राहक, उप ठेकेदार और पूर्तिकर्ताओं से पुनरीक्षण या जांचे कराने में असफल होने के कारण यथा उपयुक्त वर्णित कारणों में से कोई भी कारण होने पर योजना के सफल क्रियान्वयन में संदिग्धता बनी रहती है। अतः परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक क्षेत्र विशेष में पूर्ण तारतम्यता, परिस्थितियों में सामंजस्य और प्रत्येक व्यक्ति विशेष में विचारों के आदान प्रदान में संचार व्यवस्था तथा नेतृत्व व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप अर्थात संप्रेषण का अभाव नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में परियोजना सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो सकती है।